चवारा गलत। देखिए चैप्टर 7 यानी एक्सरसाइज 7 विविध प्रश्नावली है, विविध मिसलेनियस। इसका क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, लिखा है साइन पावर 8x माइनस कॉस पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 sin² x इंटू cos² dx। इसका इंटीग्रेशन करना है तो देखिए इसको लिख सकते हम sin⁴x का होल स्क्वायर माइनस cos⁴x का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ लिख सकते हम sin² x प्लस cos² x का होल स्क्वायर माइनस 2 sin² x इंटू cos² x। देखिए यहाँ पे इस एक की जगह पे हमने sin² x प्लस cos² x लिख सकते हैं, होल स्क्वायर कर देंगे तब भी एक ही आएगा dx। अब हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, sin⁴x माइनस cos⁴x और यहाँ पे आएगा sin⁴x प्लस cos⁴x और ये तुम्हारा बन जाएगा यहाँ पे। अगर देखा जाए इसको हम तोड़ दें तो ये बनेगा sin⁴x प्लस cos⁴x प्लस 2 sin² x इंटू cos² x माइनस 2 sin² x इंटू cos² x। 1 की जगह पे लिखा गया था sin² x प्लस cos² x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे देखा जाए ये कैंसिल हो जाएगा और ये तुम्हारा यहाँ पे देखें dx और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि sin⁴x को लिख दीजिए sin² x का होल स्क्वायर माइनस cos² x का होल स्क्वायर और ये तुम्हारा जो है sin⁴x प्लस cos⁴x dx अपॉन में है sin⁴x प्लस cos⁴x, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा देखिए ये वाला बचेगा पोर्शन, तो एक बार इसको प्लस में लिख दें sin² x प्लस cos² x, यहाँ पर एक बार हो जाएगा sin² x माइनस cos² x dx, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, ये कैंसिल 1 हो जाएगा, तो इसका तुम्हारा हो जाएगा sin² x माइनस cos² x है, यहाँ पे माइनस यदि कॉमन कर दें तो ये हो जाएगा cos² x माइनस sin² x dx। अब चूंकि ये होता है क्या cos² x dx और cos² x का वो हो जाएगा तुम्हारा sin² x अपॉन 2 + c, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलो भाई यही आंसर हो जाएगा sin² x अपॉन 2 + c, ये इसका आंसर। देखिए 17वां सवाल दिया है f'ax प्लस बी और दिया है f(ax) प्लस बी होल पावर n dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, तो इसमें मान लेंगे f(ax) प्लस बी बराबर क्या मान लेंगे यहाँ पे t, इसको पुट कर देंगे। आज इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे तो यहाँ पे f' हो जाएगा ax प्लस बी, इसका f' ax प्लस बी हो जाएगा, ax प्लस बी का क्या होगा a होगा क्योंकि इसका 0 हो जाएगा b का, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू a और dx बराबर dt। तो यहाँ पे f' ax प्लस बी जो आएगा dx बराबर जाएगा dt अपॉन a, तो इसकी जगह पे रख देंगे तो देखिए ये वाला पोर्शन मिल रहा है f' ax प्लस बी dx बराबर dt अपॉन a हो जाएगा, तो यहाँ पे इक्वेशन में इसमें पुट कर देंगे तो इसमें क्या लिखेंगे dt अपॉन a, यहाँ पे t पावर n हो जाएगा और यहाँ dt अपॉन a यानी कि इसको बाहर निकालना है 1 अपॉन a, तो यहाँ 1 अपॉन a और t पावर n+1 / n+1 + c, तो यहाँ पे 1 अपॉन a और यहाँ पे क्या है f(t) की वैल्यू फिर पुट कर देंगे f(ax) प्लस बी होल पावर n+1 / n+1 + c, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा।